नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा और वह कहने लगी, सारस भाई, राम राम, कैसे हो? सारस बोला, लोमड़ी बहन, मैं तो अच्छा हूँ, तुम अपनी बताओ। लोमड़ी को शरारत सूझी और वह कहने लगी, सारस भाई, मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूँ, कल तुम मेरे घर भोजन करने आना। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर भोजन करने पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को राम राम बोला और फिर मीठी मीठी बातें करने लगे। कुछ देर बाद लोमड़ी दो परातों में बहुत पतली खिचड़ी बनाकर ले आई और वह सारस से बोली, सारस भाई, आओ खाना खाएं। लोमड़ी तो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, लेकिन सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी ना आई। उसे खिचड़ी ना खाते देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं आया? सारस लोमड़ी की चालाकी समझ गया और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने लोमड़ी को बोला कि कल तुम मेरे घर खाने पर जरूर आना। लोमड़ी ने कहा, हाँ मैं जरूर आऊंगी। सारस ने मछलियाँ पका कर दो तंग मुँह की सुराहियों में डाल दी। जब लोमड़ी आई तो दोनों ने एक दूसरे को राम राम करी और बातें करने लगे। कुछ देर बाद सारस सुराही उठा लाया। वह लोमड़ी को कहने लगा, बहन आओ मिलकर मछलियाँ खाएं। इतना बोलकर उसने अपनी चोंच सुराही में डाल दी। वह मजे से मछलियाँ खाने लगा। लोमड़ी का इतना बड़ा मुंह सुराही के छोटे से मुंह में जा ही नहीं पा रहा था। वह सारस का मुंह देखती रह गई। अब सारस समझ गई कि लोमड़ी ने अपना बदला ले लिया है।